लॉकडाउन के दौरान बुधवार को महेवा मंडी के सचिव सेवाराम वर्मा ने सुबह सुबह मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहा कि मंडी में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मंडी में सेक्टर मजिस्ट्रेट और मंडी इंस्पेक्टर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए और बनाए रखने के लिए निरीक्षण किया जाता है। बुधवार से मंडी में सिविल डिफेंस के वार्डन को सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करवाने के लिए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अब गाड़ियों को मछली मंडी के आगे लगवाया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंस बना रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए महेवा मंडी के सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा, गाड़ी हटेगी, हटाइए और कल से यहाँ कोई गाड़ी चौराहे पे नहीं आने तो फिर मैं कार्रवाई करूँगा। ये 20 गाड़ी हटा लीजिए एकदम, ये बिना मतलब कर रहा है, फिर क्यों फटा दिए गाड़ी से? गाड़ी एकदम जब कहा गया तो गाड़ी बीच में आपका फूटा है, फटा क्यों लिए, फटा क्यों लगाए? ये गाड़ी हटेगी हर कीमत पर, गाड़ी हटेगी हटवा लीजिए नहीं तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। शिवराम वर्मा मंडी से। मंडी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन मंडी कर्मचारियों की, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और आज से सिविल डिफेंस के भी 20 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और सभी लोग मिल करके ये सुनिश्चित करते हैं कि मंडी में लोग दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर चलें और कहीं जान ना लगाएं। कुछ जो है सर शिकायत आ रही भीड़ की, उसके लिए सर क्या क्या सुविधाएं, कैसे आप लोग इसके लिए क्या आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं उसको सही करने के लिए? जहाँ पर हमको भीड़ से बचाने के लिए अपने ज़्यादा कर्मचारियों को लगाना पड़ रहा है, वहाँ हम कल से ये इंश्योर कराएंगे कि वहाँ गाड़ियाँ कम खड़ी हैं, उन गाड़ियों को और आगे मछली मंडी की तरफ बढ़ा देंगे जिससे कि वहाँ भीड़ कम हो।